तुम्हें हक करके मुझे क्या मिलता है? इतनी सारी खुशी मिलती है। आप मासी पर बहुत यकीन करते हो ना, तो हमारा भरोसा करो, आपको कुछ नहीं होगा। आपने पहले भी यही सेम कहा था, लेकिन आपने देखा, अगर मैं आपको काट लेता तो जैसे मैंने सुंदरी दीदी को काटा था और वो ब्लू हो गई थी, तो वैसे आप भी ब्लू हो जाती और मर जाती। मेरे अंदर पॉइजन है, पॉइजन है, पॉइजन है। अरे कार्तिक, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, अगर तुम्हें मासी की बात नहीं सुननी है ना, पापा की बात तो सुनोगे। मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखा दूं। एक मिनट बैठो, नीचे बैठो, कम सिट। शक्ति तुम भी बैठो। ये देखो, ये होती है हमारी बॉडी, और इसमें है ना ढेर सारे वेन्स होते हैं, ऐसे वेन्स 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 वेन्स, इतने सारे वेन्स होते हैं। देखो पूरी बॉडी में हर जगह वेन्स होते हैं, और उन वेन्स में क्या फ्लो करता है कार्तिक? ब्लड। ब्लड फ्लो करता है। तो सोचो बॉडी में कितना सारा ब्लड है और जहर कितना है। ये देखो इतना सा बस। जैसे हमारे बॉडी में कई सारे टॉक्सिन्स होते हैं, हमारे बॉडी में जर्म्स होते हैं थोड़े थोड़े थोड़े, वैसे ही ये थोड़ा सा पॉइजन है। तो उन्हें हम बॉडी से निकालने के लिए, ब्लड से निकालने के लिए क्या करते हैं? उसे दवाई देते हैं। करेक्ट, दवाई देते हैं। तो हमें तुम्हें भी दवाई देना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें तुम्हें भी दवाई देनी पड़ेगी, ताकि ये जो छोटू सा जहर है ना, उसे हम बाहर निकाल के फेंक दें। फेयर इनफ। देखो कार्तिक, साइंस के पास हर चीज का सोल्यूशन है, लेकिन क्या है ना, थोड़ी बहुत रिसर्च तो करनी पड़ती है, इसलिए हमें थोड़े टेस्ट करने पड़ेंगे। प्रॉमिस, लेकिन ये ठीक कर देगा ना मुझे? ऑफ कोर्स ठीक हो जाओगे, पर आपको रेगुलरली दवाई खानी होगी। आप खा तो लोगे? ठीक है, अगर कड़वी लगी तो आइसक्रीम में डाल के खा लूंगा, लेकिन इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लूंगा। आपको इंजेक्शन कोई लगाएगा भी नहीं। डॉक्टर शिव, हमारी बात अच्छे से सुन लीजिए, कार्तिक को कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा, उसके लिए दवाई लेकर आएंगे, वरना हम आपको इंजेक्शन लगा देंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे इंजेक्शन मत लगाना, मैं कार्तिक के लिए सिर्फ दवाई लेकर ही आऊंगा। देखा कैसे डर गए कार्तिक। तुम्हारी मासी को है ना गुस्सा ना करने का इंजेक्शन लगा दूं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। देखा, डरा दिया ना। कार्तिक, लेकिन तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स आने में, ट्रीटमेंट ये सब ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे तब तक ना तुम्हें कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करने होंगे। एक मिनट, नोट कर रहे हो? मासी, आप बताओ कौन सी प्रिकॉशंस सीखनी है, मैं लिस्ट बना लेता हूँ ताकि मैं भूलू ना। लेकिन पापा, अब मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अब ध्यान से सुनो और नोट करना, ठीक है? तुम किसी को भी काट नहीं सकते, ओके? गलती से भी नहीं, और किसी को भी नाखून नहीं मार सकते। खाना तुम किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकते, किसी जानवर के साथ भी नहीं शेयर कर सकते, ओके? और जो तुम्हारी प्लेट्स होंगी ना खाने की, वो डिस्पोजेबल होंगे, उसी में खाना है और उसे बाद में पैक करके डिस्पोज ऑफ कर देना है, ओके? मैं सच कह रही हूँ कि इस घर पे किसी सांप का असर तो है, जिसकी वजह से कार्तिक को दुख सहना पड़ रहा है। मम्मी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ है मोहिनी, सही कह रही हो, ऐसा हुआ है।
मुझे ध्यान है बचपन में शायद मुझे एक सांप ने काटा था। क्यों दादी? अगर ऐसा है तो उस नाग की नागिन बदला लेने आएगी। क्या मोहिनी, तुम क्या बोल रही हो? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा मतलब है कि वो मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा वाली नागिन? नहीं नहीं नहीं, नागिन नहीं पद्मा, इससे भी खतरनाक ऐसी नागिन जिसका काटा पानी भी नहीं मांगता। सूरज उदय होना अस्त होना भूल सकते, ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चलना भूल सकते हैं, लेकिन एक नागिन वो अपना बदला कभी नहीं भूलती। से बचने का कोई तो उपाय होगा। नागमणि, अगर उस नागिन को नागमणि मिल जाए तो वो सबको माफ कर सकती है, क्योंकि वो उस नागमणि के प्रयोग से अपने नाग को जिंदा कर सकती है।